जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले। कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले, फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है, जीवन एक प्यास है। सभी को कुछ तलाश है। कैसा है पैर का दर्द आज? जी डॉक्टर साहब की दवा से दर्द तो आज कुछ कम है। पहले कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े थे क्या, जो यूं बच्चों की तरह फिसल गए? फिसला तो मैं भृगु मुनि की कृपा से। भृगु मुनि की कृपा से? जी हाँ, उन्हीं की कृपा से। वो आसुरिक व्यवहार मेरे साथ ना करते तो बहन जी का मन कैसे बदलता। उन्हीं की कृपा से आपके मन में मेरे लिए दया आई है। आप लेखक है ना, बातें बनाना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। बहन जी 10-12 दिन हो गए घर से निकले हुए, और अब इस पैर को लेकर ना जाने आपके आश्रम में और कितने दिन रहना पड़े। घर वाले परेशान होंगे। आप फिक्र ना करिए, आपके घर तार भिजवा दी है। मेरा पता कैसे मालूम चला आपको? मैं शादी का हूं ना, मुझे सब मालूम है। अच्छा, शादीशुदा तो हैं आप, और बच्चे? जी एक लड़का है 6 साल का। कहानी लिखने लिखाने में बीबी आपकी कुछ मदद करती है? जी बहुत, बल्कि जरूरत से ज्यादा। वो कैसे? जी वो ऐसे कि जिस टेबल पर बैठकर मैं काम करता हूँ ना, तो उसकी सफाई करती है वो। अब सफाई क्या, बस चीजें इधर से उधर कर देती। कभी कभी तो किताबें भी गुम कर देती। हाँ, और जब मैं कहानी तैयार करके उसको सजा के अच्छी तरह रख देता हूँ तो बस पन्ने उलट पुलट कर देती है। और कभी कभी जब मैं बहुत ही मग्न होकर ध्यान से लिख रहा होता हूँ तो घर की गृहस्थी का खर्च लेकर मेरे सामने बैठ जाती है हिसाब करने के लिए कि अब देखिए आटे के भाव कहाँ जा रहे हैं, चावल तो अच्छा मिलता ही नहीं है, कंकड़ वाले मिलते हैं, और केरोसिन के लिए तो लाइन कितनी लगानी पड़ती है, मुन्ने की फीस देनी है, उसकी ड्रेस बनानी है, वगैरह वगैरह। एक लेखक के धैर्य और सब्र को लोहे की तरह मजबूत करने में पूरी मदद करती है मेरी बीबी। आप सचमुच बहुत खराब आदमी हैं। जब उनके लिए आप ऐसे कह सकते हैं तो मेरे बारे में भी उल्टा सीधा ही बताएंगे जाकर। बहन जी सरसावन से डॉक्टर साहब आए हैं। अच्छा तो बुलाइए उनको, मैं फिर आऊंगी। राम प्रसाद डॉक्टर साहब को ले आओ। सरसावन से डॉक्टर साहब पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर आए हैं आपके पांव का एक्सरे करने के लिए। आइए आइए डॉक्टर साहब। आइए क्या है? चूना हल्दी। चूना हल्दी जी।
बहन जी ने लेप बनवाई है आपके लिए। मगर चूना हल्दी क्यों? मेरा मन कहता है हड्डी वड्डी कुछ नहीं टूटी, खाली मुंह चाहिए। ये चूना हल्दी लगा देने से थोड़ी दिनों में ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या कर रही हैं आप बहन जी? बहन जी सिर्फ शादी का ही नहीं सीन का भी है। एक बात कहनी थी आपसे। मैं यहाँ आने से पहले किसी के सर पे हाथ रखकर ये वचन दे आया था कि अगर बहन जी से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उसकी फरियाद बहन जी के सामने रख दूंगा। तो अगर आप थोड़ा समय निकाल कर मेरी बात सुन लें तो। बाप रे बाप, लगता है आप बहुत सी फरियादें लेकर आए हैं। अच्छा बताइए, किसके सर पर हाथ रखकर वचन दिया है आपने? उसका नाम है जंगली मुखिया की बेटी। हाँ जी हाँ, और उसका ब्याह सरसावन के चौकीदार फर्दू के बेटे के साथ तय हुआ था, लेकिन फिर मुखिया बाधा डाल रहा है उस ब्याह में, यही ना? आपको कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है उसने कड़ी शर्त रख दी कन्हैया पर। मैंने बताया था ना मैं शादी का हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। मिस्टर ने बताया मुझे। तो जंगली की नैया पार हो जाएगी ना? उसे पूरा विश्वास है कि मुखिया बहन जी का आदेश नहीं टालेगा, अपनी शर्त हटा लेगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुखिया ने ऐसी शर्त क्यों रखी, क्या कारण हो सकता है? कहानी लिखने के लिए प्लॉट की खुशबू आ रही है आपको, सुनेंगे? आप सुनाएंगी तो जरूर सुनूं। ये मुखिया और फर्दू पक्के दोस्त है, कभी एकदम जिगरी दोस्त। तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? एक लड़की के कारण फर्दू से प्यार हो गया था उसको, शादी भी उसने उसी से कर ली थी। क्या नाम है? जानकी। अरे वाह, आपको तो बहुत कुछ मालूम है। जी बहुत कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि फर्दू की बीवी का नाम जानकी था, फर्दू ने बताया था। हाँ तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, फर्दू था सीधा साधा भोला भाला खेत मजदूर, और मुखिया बिल्कुल उल्टा, जालिम आवारा राजा साहब का खास आदमी। तो फिर इन दोनों में दोस्ती कैसे हो गई? दो बातों में दोनों की पसंद एक ही थी, पीना और गाना बजाना। फर्दू कवि था, खुद ही गाना बनाता था और गाता भी बहुत अच्छा था, और मुखिया गाना सुनने का शौकीन। बस यही मेल था दोनों में। राजा साहब के गलत कामों में अक्सर मुखिया का हाथ होता था। बच्चों, अरि सिंह चित्तौड़ के राजकुमार थे। एक दिन वो घोड़े पे शिकार के लिए निकले। उन्होंने एक जंगली सुअर का पीछा किया। सुअर तेजी से भागा और बाजरे के खेत में घुस गया। एक छोटी बालिका उस खेत की रखवाली कर रही थी। उसकी उम्र 12-13 वर्ष से अधिक न थी। उसने राजकुमार के पास आकर कहा, मेरे पिता गरीब हैं, घोड़े खेत में घुसेंगे तो खेती नष्ट हो जाएगी, आप यहीं रहे, मैं सुअर को मारकर अभी आपके सामने लाती हूं। लड़की ने हाथ में डंडा लिया, वो खेत में घुसी और उसने सुअर को मार डाला। छोटी लड़की की बहादुरी देखकर सभी दंग रह गए। ये बात राजकुमार के पिता राणा तक पहुंची। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वो वीर बालिका भविष्य में चित्तौड़ की महारानी बनेगी। ऐसे सपने क्यों दिखा रहे हो मास्टर ज्ञानचंद कि गरीब लड़की रानी बन सकती है? अरे काय इन बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो, खेलने कूदने के देना इनके, खेलने दो और पढ़ लिख कर कौन सा ये कलेक्टर बन जाएंगे, करना तो इन्हें खेतों पर काम ही है या फिर राजा साहब की चिड़ई मशीन पे मजूरी। जाओ बच्चों जाओ, आज छुट्टी, जाओ। तुलसी,
जरा एक मोड़ा लाना बाहर। मुखिया, अनपढ़ रहने का तुम्हें पछतावा नहीं होता? अरे पछतावा खाएगा, हमको तो खुशी होती है। उल्टा तुमने जैसे पढ़े लिखे आदमी को देख के ज्यादा खुशी होती है। देख लो अपनी हालत और मिला लो हमसे। बैठो मुखिया। कौन है ये मास्टर? बेटी है ने? पहले तो कभी नहीं देखा। 2 साल की थी तो इसकी माँ का देहांत हो गया, फिर ये ननिहाल चली गई, वहीं पली बढ़ी। 4-5 दिन पहले ही यहाँ आई है, स्कूल की छुट्टियां चल रही है ना। अच्छा अच्छा, तो पढ़ती है? नहीं मुखिया, पढ़ती नहीं, पढ़ाती है। अच्छा तो अपने पेशे में डाल लिया, तुझे यहीं रोक लो। हम रानी माँ से कह के स्कूल बड़ा करवा देंगे, फिर बाप बेटी मिल के पढ़ाना। अच्छा तो अब असली मुद्दे पे आ जाओ, हम राजा साहब के काम से आए हैं तुम्हारे पास। हुक्म करो मुखिया। हुक्म ये है कि तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन है ना, अरे वही जो बड़े मैदान के पास है, वो राजा साहब को चाहिए। और किस लिए चाहिए ये भी सुन लो, राजा साहब एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं और तुम्हारी जमीन प्लान के बीच आ रही है। मुखिया वो जमीन कहाँ? वो तो खेत है और पुश्तैनी खेत है हमारे। देखो मास्टर, पढ़े लिखे आदमी की तरह हमारे साथ वकालत ना करो। जमींदारी भले ही चली गई, आज भी राज यहाँ राजा साहब का ही चले आए। वो तो ठीक है, तो हम राजा साहब से जाके कह दें कि ज्ञानचंद खुशी से खेत दे रहा है। क्या बात कर रहे हो मुखिया, वो छोटे से खेत हमें साल भर का खाने का अनाज देते हैं, उसमें फसल भी तैयार खड़ी है। फसल तैयार खड़ी है तो जल्दी से काट लो, नहीं तो राजा साहब खेत के साथ फसल भी ले लेंगे। जय राम जी की। कौन था बाबूजी? राजा साहब का मुखिया, इस इलाके का सबसे बड़ा राक्षस। आपके पास क्या लेने आया था? हमारा वो 2 बीघे का खेत चाहते हैं राजा साहब, इसीलिए मुखिया धमकी दे गया। 10 साल हो गए आजादी को, लेकिन अभी भी दिमाग से हुकूमत नहीं गई, समझते अभी भी राज है उनका। बाबूजी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन्हें वो खेत नहीं देंगे। सरकार आरू क्या कहा ज्ञानचंद ने? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या कहा ज्ञानचंद ने, हाँ या ना? कहता कुछ नहीं है सरकार, पुरखों की दुहाई देता है, कहता पुश्तैनी जमीन है। लेकिन हमें वो जमीन चाहिए, वो जमीन का टुकड़ा हमारे प्लान के बीचों बीच पड़ता है। रानी माँ की उस पर दया है ना सरकार, इसलिए थोड़ा अकड़ता है। रानी माँ ने पाठशाला खुलवाई है, उसका मास्टर है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसलिए मुसीबत बन गया। उसे एक बार और समझाओ, कहो हम उसे 2 बीघे के बदले 5 बीघे कहीं और दे देंगे। जो आ गया सरकार, अगर फिर भी ना माने तो हमें मनमानी करने की आज्ञा है सरकार। मनमानी? कैसी मनमानी? एक बेटी है ज्ञानचंद की, आपकी आज्ञा हो तो उसे उठा लेते। एक बार फिर समझाओ उसे, पर अगर ना माने तो फिर जो जी में आए करो, लेकिन याद रखो वो जमीन हमें हर कीमत पर चाहिए। अरे हमरे सामने काहे शर्मावे है, हम तो मुखिया है इस इलाके के, सर ढांपने की जरूरत नहीं। लड़कियां दूसरों को नहीं, अपने आप को इज्जत देने के लिए सर ढांपे हैं मुखिया, ताकि दूसरे भी उन्हें इज्जत की नजर से देखें। मतलब ये कि तूने हमका सम्मान देने के लिए सर पर आंचल नहीं लिया, और दूसरा मतलब ये कि हम तुझे इज्जत की नजर से देखें। इज्जत देने से इज्जत मिले हैं,
बताओ किस काम से आए हो? ज्ञानचंद कहाँ है? वैसे हम चाहते तो अपने आदमी भेज के उसे बुलवा लेते, मगर हमने सोचा जाके कह दे उसे कि हम आए हैं। मुखिया बाबूजी घर पे नहीं है, बाजार गए हैं। बाजार गए हैं तो आ जाएंगे। क्या नाम है तेरा? तुलसी। हाँ तुलसी, मगर ई नाम तेरे लिए ठीक नहीं। अरे इतनी अच्छी सूरत दी है भगवान ने तुझे, तेरा नाम तो चंद्रमुखी होना चाहिए था। ए, बैठने के लिए नहीं कहेगी? बाबूजी की राह देखने तो बैठ जाओ। कब आए मुखिया? अरे आ ज्ञानचंद, तुम्हारे तो भाग खुल गए। क्या राजा साहब मान गए, छोड़ दिया हमारा खेत? अरे नहीं ज्ञानचंद, लेकिन दो के बदले 5 बीघा जमीन देने को कह दिया है। बोले खुद जाके कहो मास्टर से कि हमारी जो जमीन है ना काली टीले के पास, उसमें से 5 बीघा जोत ले मास्टर। अरे तुम्हारी तो चांदी हो गई। मुखिया मैंने उसी दिन साफ साफ कह दिया है कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं छोड़ूंगा। 5 क्या 10 भी दे तो भी नहीं लूंगा। उस जमीन पर हमारे पुरखों ने पसीना बहाया। ए मास्टर, ये बात हमरे कानों तक रहे इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर ये बात राजा साहब के पास पहुंच गई ना तो प्रलय आ जाएगा। सारा दिन बच्चों को पढ़ाते रहते हो, इतनी अकल नहीं कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते? अगले हफ्ते फसल कटवा के अपने घर डलवा लो और जमीन हमारे हवाले कर दो। देखो जबरदस्ती करोगे तो मैं भी न्याय का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। ए मास्टर, न्याय का दरवाजा कोई तुम्हारे घर के बाहर नहीं है। जो 4 कदम चल के पहुंच गए उसके लिए इस इलाके की सरहद पार करके जाना होगा। जरा इतना तो सोचो कि घर में जवान बेटी है, उसकी इज्जत आबरू भी कोई चीज है, या पुश्तैनी खेती सब कुछ हो गए। जरा सोचो दिमाग से। बाबूजी, आपसे ऐसी बातें करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? बेटी इस इलाके में अभी भी जंगल का कानून चलता है। तू ऐसा कर, तू अपने मामा के पास वापस चली जा। नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। बेटी तू नहीं जानती ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अब मैं विश्व जी को खबर करके कोतवाली में जा रहा हूँ। वहां के कोतवाल से मेरी जान पहचान हुई थी एक बार, और सुन जब तक मैं वापस नहीं आऊं तू घर पर रहना। हाँ ये मुखिया तो रोग की तरह राजा साहब के साथ लग गया है मिश्र जी, लेकिन ये बताइए आपको ये बात कहां से मालूम पड़ी? लड़की के पिता ज्ञानचंद से। ज्ञानचंद? हमारी पाठशाला के मास्टर जी? जी हाँ, आप राजा साहब को रोकिए। कई बार तो रोक चुकी हूँ, अब कोई बात उनसे करने चाहती हूँ तो हमारे बीच की दीवार और ऊंची हो जाती है। ऐसा ना कहिए रानी माँ, इस हवेली में धर्म कर्म और सिद्धांत के नाम पर आपके सिवा और कुछ नहीं रहा। अच्छा देखती हूँ बात करके। आप बताइए उर्मिला प्रमिला की पढ़ाई कैसी चल रही है? उर्मिला तो साक्षात आप ही का रूप है, लिखाई पढ़ाई में बहुत मन लगाती है, पर प्रमिला का मन राजा साहब की लाडली है ना? हाँ हाँ हाँ, लाओ बेटा लाओ, हम आपको सिखाते हैं इसको कैसे करना है। ये देखिए पहले ये बोल्ट एक्शन किया, ठीक है, उसके बाद इसको अपने कंधे से लगाया, कंधे से दबा के लगाया, दबा के नहीं लगाओगी तो इसके धक्के से कंधा उतर जाएगा, फिर ऐसे एम करके ये फायर किया, ठीक है ना? पिताजी मैं भी गरीब होकर आपके साथ शिकार के लिए जाया करूं। हाँ जरूर जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे, आप भी जाएंगी और उर्मिला भी जाएंगी। और बेटे हम आपको भी बंदूक चलाना सिखाए, आइए। नहीं पिताजी मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता तो भी क्या हुआ बेटा,
ठाकुर वंश के बच्चों का यही खेल होता है। उर्मिला प्रमिला, आप दोनों बाहर जाकर खेलिए, इन्हें बाहर ले जाइए। भीरू, तुम भी बाहर जाओ। जो मैंने सुना है वो सच है? हमें क्या पता आपने क्या सुना है। ज्ञानचंद जी की बेटी के विषय में पूछ रही हूँ आपसे। जमीन जायदाद की रखवाली के लिए बहुत सी चालें चलनी पड़ती हैं, लेकिन उससे आपकी पूजा और साधना में तो कोई बाधा नहीं पड़ती ना? पड़ती है बाधा, सब कुछ पाप लगने लगता है। ये आपके सोचने का ढंग है। वैसे आपने पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में नारी हरण के बारे में तो काफी कहानियां सुनी होंगी। ना आप पुराण युग के आदमी हैं, ना ये वो युग। खैर बहस छोड़िए, और ये बताइए कि आपसे हमारी शिकायत किसने की? किसी ने भी की हो, मगर मैंने जो सुना है अगर वो सच है तो मैं आपको सावधान करने आई हूं। सावधान? यदि आपने हमें सावधान करने का साहस किया ही है तो ये भी सुन लीजिए, अभी तक तो हमने उसे सिर्फ धमकी दी थी, लेकिन अब उसकी बेटी उठा ली जाएगी। हाँ, आपने हमें सावधान करके बहुत बड़ी गलती की है रानी साहिबा। हाँ, आप अगर हमारे पांव पड़ के हमसे दया की भीख मांगती तो शायद हमारे मन में थोड़ी सी दया आ जाती। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो इसके गंडा से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। अरे देखता क्या पकड़े से? खबरदार, आज मैं बताती हूँ नारी की शक्ति क्या होती है। अकेले नहीं मरूंगी मैं, दो चार को तो मार के ही मरूंगी। रुक जाओ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अकेली लड़की देख के उस पे हाथ उठाते? फेंक दो हथियार, फेंक दो सब हथियार। अरे इसका झगड़ा राजा से, हमारे साथ थोड़ा कोई झगड़ा। तुलसी, तुलसी तू भी हथियार फेंक दे, सब कुछ क्षमा कर दे। ये सब राजा के कुत्ते हैं, किसी पे भौंकने लगते हैं। हथियार फेंक दे नीचे, मैं हाथ जोड़ता हूं, क्षमा कर देना।